मोर पंख से जुड़े उन उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें घर में और जीवन में अपना कर हम अपने जीवन को सुख शांति और वैभव से भर सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख से जुड़े कुछ खास उपाय करने से आर्थिक परेशानियां और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अब हम उन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख को सदैव ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मोर पंख को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। पूजा घर में मोर पंख रखने से अनेक फायदे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने के बाद हमें भगवान कृष्ण की मूर्ति या फोटो के सामने मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा बरसती है बल्कि माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है और धन में वृद्धि होती है। मोर पंख को तिजोरी में रखना भी बहुत ही शुभ फल देता है। मोर पंख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से बहुत ही लाभ होता है। यह उपाय आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और घर में सुख शांति बनाए रखने में कारगर साबित होता है। श्री कृष्ण को मोर पंखों से श्रृंगार करने से भी बहुत ही फायदा होता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को मोर पंखों से सजाना चाहिए। इससे सौभाग्य आता है और घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और व्यक्ति को सुख और शांति की अनुभूति होती है। घर का वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी मोर पंख कारगर साबित होता है। अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो घर की पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आर्थिक लाभ होने की संभावना रहती है। कार्य क्षेत्र पर मोर पंख लगाने से भी बहुत ही फायदे होते हैं। हमारे करियर या बिजनेस में परेशानियां दूर नहीं हो रही है और आमदनी अच्छी नहीं हो रही है तो कार्य क्षेत्र में मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से करियर में लाभ होता है, साथ ही कई नए अवसर मिलते हैं। मोर पंख का उपाय करने के समय कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। मोर पंख को हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और भूलकर भी अपवित्र स्थान पर मोर पंख को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। वैसे तो यह सब उपाय किसी भी शुभ दिन को किए जा सकते हैं, परंतु जन्माष्टमी के दिन करने से श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आज हमने मोर पंख से जुड़े उपायों के बारे में जाना। आज बस इतना ही। धन्यवाद।